हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, हो सकता है हमें आगे आने वाले टाइम पर मार्केट में टीवीएस और अल्ट्रा वायलेट की तरफ से आने वाली एक इलेक्ट्रिक बाइक देखने को मिल जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीवीएस जो कंपनी है वो अल्ट्रा वायलेट के ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रही है। बात 2017 की है, जब अल्ट्रा वायलेट एक स्टार्टअप कंपनी थी। उस टाइम पर टीवीएस ने अपने 5 करोड़ रुपीज अल्ट्रा वायलेट पे इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद नवंबर 2019 में अल्ट्रा वायलेट ने अपनी बाइक F77 दुनिया के सामने अनवील की और अब टीवीएस ने ऑफिशियली कह दिया है कि वो अल्ट्रा वायलेट कंपनी में अपने 30 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं। टीवीएस ने हाल ही में कुछ टाइम पहले नॉर्टन कंपनी को एक्वायर किया था और अब वो अल्ट्रा वायलेट पर इतना इंटरेस्ट दिखा रही है। तो दोस्तों, इस बात के हाई चांसेस हैं टीवीएस आगे जाके अल्ट्रा वायलेट को खरीद ले या उसके साथ कोई पार्टनरशिप करके अपनी एक नई इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में लॉन्च कर दे। टीवीएस ने हाल ही में कुछ टाइम पहले अपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस iQube लॉन्च की थी, जो कि स्पेक वाइज काफ़ी अच्छी स्कूटर थी। दोस्तों, टीवीएस स्पेक्स और टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया में दूसरी कंपनियों से आगे रहा है। टीवीएस ही वो इकलौती कंपनी थी जिन्होंने अपने बजट रेंज की बाइक्स में ड्यूल चैनल ABS सबसे पहले प्रोवाइड किया था। टेक्नोलॉजी के मामले में टीवीएस ने और भी काफी बड़े काम किए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो फ्यूचर है वो इंडिया में काफी ब्राइट है और अब टीवीएस भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर फोकस कर रहा है। खैर, जो भी हो, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया में हमें कम प्राइस में अच्छे स्पेक्स वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जल्द ही देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।